सो हाय, वेलकम टू द कंप्यूटर माइंड। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं और एक पेन टेस्टिंग लैब क्रिएट करते हैं। मतलब वर्चुअल बॉक्स मतलब आप जब सिंगल ओएस या फिर डुअल ओएस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो वर्चुअली इंस्टॉल किया जाता है वर्चुअल बॉक्स में। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा, डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स लिखना, उसके बाद ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स आएगा, इस पर क्लिक करना। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करें, तो यहाँ पर आप डाउनलोड्स पे जाए पहले। उसके बाद सिलेक्ट कीजिए विंडोज़ होस्ट, तो ऑटोमेटिकली ये विंडोज़ के लिए डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे डाउनलोड होता है उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है इसे। तो चलिए पहले हमें डाउनलोड कंप्लीट होने देते हैं इसको। तो अभी ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया है, तो आपको बस क्या करना है, यहाँ से आप बस इसको रन कर दीजिए। तो अभी इसे इंस्टॉल कीजिए, बस नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट यस कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। तो अभी इसे इंस्टॉल होने देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले हैं जो हम पेन टेस्टिंग लैब के हिसाब से यूज़ करेंगे, मतलब हैकिंग लैब, जहाँ पर हम हैकिंग प्रैक्टिकल में करके देखेंगे, उस सिस्टम में हैकिंग करेंगे काली लिनक्स से। आप दो तरीके चीज़ कर सकते हैं, एक विंडोज़ से काली लिनक्स को एज ए वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपका काली वर्चुअल में रहेगा और रियल में विंडोज़, या फिर आप काली अगर इंस्टॉल अपने डिवाइस में कर चुके हैं अपने सिस्टम में, तो वहाँ से आप VMware डाउनलोड करके आप वहाँ से विंडोज़ इंस्टॉल करके विंडोज़ को एज ए पेन टेस्टिंग लैब यूज़ कर सकते हो। तो दो तरीके हैं, आप जिस तरीके से यूज़ करना चाहते हो। तो इंस्टॉल कीजिए। तो हम यहाँ पर विंडोज़ में दिखा रहे हैं काली, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास विंडोज़ होगा जो डुअल बोर्ड में काली इंस्टॉल नहीं करना चाहेगा, उनके लिए ये बहुत बेहतर चीज़ है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम काली ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर लें। तो इससे क्या होगा, आसानी होगा, आपको डुअल बोर्ड नहीं करना होगा, और वर्चुअल बॉक्स में अगर कोई हैकिंग अगर कुछ प्रॉब्लम हो, करप्टेड उठाए, तो आपके रियल जो सिस्टम है, रियल फाइल है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी ये जैसे आप इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, तो अभी दिखाएंगे काली लिनक्स को कैसे वर्चुअल बॉक्स में एज ए वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि आप में से कई नहीं चाहेंगे कि एक डुअल बूट करके अगर हम काली लिनक्स इंस्टॉल करें तो वो आपके सिस्टम पे थोड़ा सा प्रेशर भी डालेगा। इसलिए अगर आप वर्चुअल से करेंगे तो आपका जो सीखना था वो सीख भी जाएंगे हैकिंग, और आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने काली की जो लिनक्स फाइल या ISO इमेज वो डाउनलोड करके रखी है पिछले वीडियोज़ में, तो वो हमारे पास है। तो अभी ओरेकल को चलाने के पहले आपको अपने बायोस में जाके, यहाँ पर इमेज में दे रहा हूँ आप देख लीजिए, बायोस में जाके सिस्टम पे जाके वहाँ पर आपको वर्चुअलाइजेशन डिसेबल है इनेबल करना होगा, उसके बाद आपको वापस आना होगा, उसके बाद वर्चुअल बॉक्स ओपन करके अभी न्यू पे क्लिक कीजिए, उसके बाद कोई भी नाम दे दीजिए। तो यहाँ पर हम काली देंगे, काली लिनक्स। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है लिनक्स, क्योंकि यहाँ पर हम लिनक्स टाइप करेंगे। उसके बाद आपको डेबियन 64-bit सिलेक्ट करना है, क्योंकि डेबियन, क्योंकि काले लिनक्स उबंटू, पहले वीडियोस में हमने बताया था ये सारे डेबियन वर्जन के लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हम 64-bit में करेंगे इसलिए 64-bit। तो अगर आप वर्चुअलाइजेशन एक्टिव नहीं करेंगे तो यहाँ पर 64-bit का ऑप्शन नहीं दिखाएगा, 32-bit का दिखाएगा। तो अगर 32-bit का ऑप्शन दिखा रहा है तो मतलब समझ जाइए आपका वर्चुअलाइजेशन डिसेबल है। तो वो बायोस में जाके अब एक्टिवेट कर लीजिए, और बायोस में कैसे जाना है ये हमने पिछली वीडियोज़ में बताया था, तो आप प्लीज़ आगे की वीडियोस देख लीजिए हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स पे। तो यहाँ पर आप रैम एलोकेशन कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 1/4 भाग आप रैम एलोकेट कीजिए, या फिर 1/3 भाग। तो यहाँ पर हम 1.5 GB कर रहे हैं, मैं हमारा 4 GB रैम है, तो 1.5 से 2 GB इनफ है, क्योंकि वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादा रैम नहीं लेता। तो यहाँ पर क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ पे सिलेक्ट करके क्रिएट भी कीजिए, यहाँ पर वर्चुअल डिस्क इमेज पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिए, डायनेमिकली एलोकेटेड नेक्स्ट। उसके बाद आप कितना अपना हार्ड डिस्क का स्टोरेज इस
वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को देंगे वो सिलेक्ट कीजिए। तो मिनिमम आप 32-50 GB दीजिए, 50 GB दीजिए अगर आपको और ज़्यादा सीखना है इसमें। तो हम 20 GB कर रहे हैं क्योंकि हमें उतना ज़रूरत नहीं है फिर भी। तो अभी करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए स्कालिनक्स पे, सेटिंग पे जाइए आप, उसके बाद स्टोरेज पे जाइए, उसके बाद यहाँ पर कंट्रोलर आईडी है तो यहाँ पर एम्प्टी में क्लिक कीजिए, उसके बाद इस डिस्क इमेज जो एकदम कॉर्नर पे है उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद चूज अ डिस्क इमेज पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर जो काली लिनक्स ISO फाइल 64 बिट हमने डाउनलोड किया था पिछले वीडियोज़ में उसको सिलेक्ट कीजिए। तो हमने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद ओके दबाइए, हो गया। अभी डबल क्लिक कीजिए तो अभी ये सेटअप होगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद जैसे काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन हमने किया था ये वैसा ही आएगा कि लाइव या फिर ग्राफिकल इंटरफेस कौन सा चूज़ करेंगे, तो सेम वैसा करना है। हम फिर भी यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं, मतलब वर्चुअल काली लिनक्स मतलब कुछ भी नहीं, बस ये वर्चुअल ही है, आपके सिस्टम में ही है बट वर्चुअल है, जिससे आपके सिस्टम को कोई हार्म नहीं पहुँचा सकता वर्चुअली ये। तो ये करना अच्छा होगा नए यूज़र के लिए जो हैकिंग सीखना चाहते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डुअल बूट में जो काली है वो आपके रियल सिस्टम को हार्म पहुंचाता है, विंडोज़ में जो फाइल है वो डिलीट हो जाता है या फिर कोरप्टेड हो जाता है। उससे अच्छा आप एक पेन टेस्टिंग लैब के हिसाब से ये बना सकते हो। तो होस्ट ड्राइवर पे आप अपना काली लिनक्स सिलेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए सेम थिंग आ गया जो हम पहले किए थे। तो इसको आप एज ए पेन टेस्टिंग लैब बना सकते हो। तो अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप काली लिनक्स इंस्टॉल करो, अगर आपके काली लिनक्स है तो विंडोज़ को इंस्टॉल करो वर्चुअल बॉक्स में। उससे क्या होगा, क्योंकि हमें बाद में हैकिंग करने के लिए एक काली चाहिए जिसे हम अटैक करेंगे और एक विक्टिम चाहिए जो विंडोज़ होगा। तो अगर आप दो नहीं है आपके पास तो आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो या फिर डुअल बूट आप कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर हम ग्राफिकल इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये माउंट हो रहा है। तो यहाँ पर सेम थिंग आ गया, अगर आपको पता नहीं तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियोस में जाइए, एक पूरा सीरीज़ है, बीच में कोई भी वीडियो अगर आप छोड़ देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं सेम चीज़ ये कैसे करेंगे, इसको सेटअप करना है तो सेम सब कुछ। इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा है इंडिया, तो इसे सही से करना, नहीं तो ये टाइम जोन होता है, अगर टाइम जोन सही नहीं होता तो बाद में अपग्रेड में एरर आता है। तो इसके करने के बाद आपको अपग्रेड और अपडेट करना हो, जो हमने पहले सेटअप में दिखाया था कि हाउ टू सेटअप काली लिनक्स, सेम थिंग करना होगा। अगर उसमें एरर आए तो आपको सेम एरर आएगा, उसमें आपको सोर्सेज और लिस्ट फाइल में आपको चेंजेस करना होगा लिंक पे। तो यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश कंटिन्यू, उसके बाद ये डिटेक्ट कर रहा है जो भी कर रहा है, लोडिंग एडिशनल कंपोनेंट। तो यहाँ पर बोल रहा है नेम सर्वर आर यूज टू लुक अप द होस्ट नेम्स ऑन द नेटवर्क, तो आप काली दीजिए देखिए क्या हो रहा है, कोई भी नेम दीजिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर होस्ट नेम मांग रहा है तो होस्ट नेम हमने दे दिया काली, कुछ भी दे दीजिए, ओके कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद डोमेन नेम हमें पता नहीं है, कंटिन्यू कीजिए। कन्फिगर नेटवर्क, ओके तो अभी पासवर्ड देने का है तो कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो अभी पार्टीशन जो सबसे ज़रूरी चीज़, तो अगर ये याद नहीं है तो प्लीज़ पिछले वीडियोस में देख लीजिए। तो हम गाइड एज एंटायर कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने पार्टीशन सिलेक्ट कर दिया, तो ये वही वाला पार्टीशन लेगा, ये VDX जो हमने बनाया था। तो ये आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप डुअल बूट में कर रहे हैं तब आपको मैनुअली या फिर सबसे बड़ी देखना होगा कि पेन ड्राइव ये है, बट इसमें नहीं देखना होगा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपके जो आपने जो सिलेक्ट किया था स्पेस वही लेगा। तो आपको यहाँ पर सेपरेटेड होम पार्टीशन करना होगा, जिससे होम तो अलग रहेगा बाकी सब एक साथ रहेगा। तो यहाँ पर तीन जैसे अलग अलग पार्टीशन क्रिएट होता है वैसे ही क्रिएट हुआ, स्वैप होम और वार। तो यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए, फिनिश। उसके बाद आप ये चेंजेस अपने डिस्क पे करना चाहते हैं, यस। तो ये सारी चीज़ें असल में आपके डिस्क में चेंजेस आएंगे नहीं, ये बस एक फोल्डर बन जाएगा आपके सी या फिर डी, आपने जो फोल्डर सिलेक्ट किया है उसी फोल्डर के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसलिए आपके फिजिकल हार्ड ड्राइव या फिर फिजिकल फाइल सिस्टम में कोई भी चेंजेस नहीं करता है, ये जस्ट एक फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें रखता है, इसीलिए इसको वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो अभी
आफ्टर कंप्लीटिंग द इंस्टॉलेशन ये आपको पूछेगा कि आप इसे नेटवर्क मिरर के हिसाब से यूज़ करेंगे या नहीं। आपको क्लिक करना है नो, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद ये कॉन्फ़िगरिंग द पैकेज मैनेजर करेगा, उसके बाद देखते हैं। तो ये पूछ रहा है कि आप इसे इंस्टॉल करके मास्टर बूट रिकॉर्ड करना चाहते हैं या नहीं, तो ES पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर यू नीड टू मेक न्यूली इंस्टॉल बूट एबल बाय इंस्टॉलिंग द ग्रैब बूट लोडर, तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, तो ये ग्रैब बूट लोडर इंस्टॉल हो रहा है। अगर आपको आपके पास अगर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप ग्रैब बूट लोडर को स्किप कर सकते हैं, जैसे कि हम फिलहाल वर्चुअल में हैं तो अभी तो एक ही कर रहे हैं, तो आप इसको नो भी कर सकते हैं, बट हम यस कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरा इंस्टॉलेशन दिखाना है आपको। तो यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, तो आपको बस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये हो गया, तो अभी डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम है वो है रूट, और पासवर्ड आपने जो दिया था इंस्टॉलेशन के वक्त, बस ये सारी चीज़ें हो गई। तो अभी आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो इसको, तो हम देखते हैं वाईफाई से कनेक्ट होता है या नहीं। ये मैसेज हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर वाईफाई से कनेक्ट कैसे करें, ये जो ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ से आप, तो ये वायर्ड कनेक्शन हुआ है, मतलब ये आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है आपके ओरिजिनल ओएस से, तो आप इसे डिसकनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी वाईफाई ऑप्शन दिखा नहीं रहा है, तो इसका कारण है आपको डिवाइस में जाना पड़ेगा। पहले इसे क्लोज कर देते हैं पूरा। तो अभी कालीनेक्स पे जैसे कि हमने देखा वाईफाई नहीं दिखा रहा है, तो कालीनेक्स में आप सेटिंग में जाएं, क्योंकि वाईफाई की कोई सिग्नल नहीं है, तो पहले सेटिंग में जाइए प्लीज़। फिर नेटवर्क पे जाके यहाँ पर नेट सिलेक्ट कीजिए NATNET, या फिर आप ब्रिज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ट्राई करके देखिए आपको क्या क्या दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर नेट सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद तो फिर आप USB पे जाइए, उसके बाद यहाँ पर इस प्लस बटन पे क्लिक करके जितने भी आपके USB डिवाइसेस हैं तो ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको जो चाहिए, जैसे कि मेरे को ये वाईफाई वाला चाहिए, ऑन सिस्टम वाईफाई, तो ये कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, या फिर मैं सब जितने भी है वो कनेक्ट कर रहा हूँ। याद रखना जो सिस्टम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वो आप रियल सिस्टम पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी, तो अभी इसको मैंने दो बार ऐड कर लिया, सॉरी, तो मैं ओके क्लिक कर रहा हूँ, बस हो गया। तो आपको बस ओके क्लिक करना है, अभी स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो अभी ये ऑन हो रहा है। तो अब जब आप वायर्ड कनेक्शन में, ऑटोमेटिकली आपको दिखाया गया कि आप वायर्ड कनेक्शन में कनेक्टेड है। वायर्ड कनेक्शन मतलब आपके जो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे आपकी इंटरनेट वो ग्रैस करेगा या फिर लेगा, इसलिए वो आपके रियल ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है। मतलब अगर आपके रियल ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तो आपको कुछ करना नहीं होगा, कालीनेक्स पे ऑटोमेटिक इंटरनेट चलेगा, बस उसमें दिखाना चाहिए कि वायर्ड कनेक्शन इज कनेक्टेड बिना कोई इथरनेट कनेक्ट करे। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, पहले लोडिंग होने दीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि ये वाईफाई भी अभी दिखा रहा है आप देख सकते हो, और यहाँ पर वायर्ड कनेक्शन है, तो आपको ये डिसकनेक्ट नहीं करना है क्योंकि हमारे जो विंडोज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई कनेक्टेड है। तो अभी क्या करना है, बस टर्मिनल खोल दिए, अभी हम इसे बड़ा करते हैं। तो अभी इंटरनेट काम कर रहा है या नहीं, इसलिए हम पिंग करेंगे google.com। अगर पिंग क्या है ये नहीं पता आपको तो बता दे कि पिंग के बाद कोई वेबसाइट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरनेट काम कर रहा है नहीं। अगर ये सब ऐसे डाटा है जैसे अभी आ रहे हैं, मतलब इंटरनेट काम कर रहा है, तो कंट्रोल प्लस जेड दबाइए तो ये एग्जिट हो जाएगा, मतलब इंटरनेट हमारा काम कर रहा है। तो आप वाईफाई को भी काम में ले आ सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आप वाईफाई यूज़ करेंगे तो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, और अगर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक एक्सटर्नल वाईफाई USB अडेप्टर कनेक्ट करके यहाँ पर आप ये ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया, और अगर वाईफाई का कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको नहीं दिखा रहा है तो प्लीज़ ब्रिज में कीजिए, ब्रिज में करने के बाद USB में रिमूव कीजिए, फिर देखिए अगर आ रहा है तो सही, तो ऐसे कुछ ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट आपका आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी इसमें बहुत सारी गड़बड़ होती है। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं,
ऐसे हम दिखाने वाले हैं कि apt dash get, उसके बाद अपडेट देना, उसके बाद सिस्टम अपडेट होने लगेगा। ओके, अगर ऐसा दिखा रहा है तो अपडेटेड है ऐसा मत मान लेना, आपके सोर्सेज डॉट फाइल में गड़बड़ है लिंक का। तो जैसे पिछले वीडियोस में हमने देखा है कि सोर्सेज डॉट लिस्ट के फाइल के अंदर जो लिंक होते हैं वो कैसे रिप्लेस करना होता है मिरर लिस्ट से, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए उसके बाद अपग्रेड कीजिए, बस ये कम्प्लीट हो गया। ये हमने पिछले वीडियोज़ में दिखा दिया है इसलिए हम उतना नहीं दिखा रहे अभी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी एरर आ रहा है आपके ये इंस्टॉलेशन में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो हैव ए नाइस डे, बाय बाय।